मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहा है कि 14 सितंबर को बीना की पवित्र धरा पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ये इतिहास निवेश और रोजगार का होगा, प्रगति और विकास का इतिहास भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रचा जाएगा। कल 14 तारीख को बीना की पवित्र धरा पर एक नया इतिहास रचने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। इतिहास रचा जाएगा निवेश का, इतिहास रचा जाएगा निवेश से रोजगार का, इतिहास रचा जाएगा प्रगति और विकास का। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 50,000 करोड़ के निवेश की आधारशिला रखेंगे यहां बीना में। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 2,15,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और कई इकाइयां आएंगी। 70 उद्योगपति कई आ रहे हैं, वो आगे देखेंगे निवेश की संभावनाओं में। तो एक नहीं, 50,000 करोड़ का निवेश तो एक मुश्त एक है जो अब तक का मध्य प्रदेश में एक स्थान पर आया हुआ सबसे बड़ा निवेश है। कहीं 100, 200, 500 करोड़ के आते हैं तो अपन गदगद हो जाते हैं, कितना निवेश आ रहा है। ये तो छूट में 50,000 करोड़ है, लेकिन 50,000 करोड़ के निवेश के साथ साथ 1,00,000 करोड़ के निवेश प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर होंगे, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहां भी सब लोग इकट्ठे रहे डायरेक्ट जुड़ेंगे प्रधानमंत्री जी। और भारत की भी आधार से रही सर, और लगभग 2,00,000 रोजगार के अवसर बीना के अलावा जो निवेश की आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे उससे होगा, तो लगभग 4,15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर कल के कार्यक्रम से ही सृजित होने वाले हैं। आज मैं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आया था विपरीत मौसम के बावजूद। यहां हमारे मंत्रियों की टीम ने मिलकर जो लीड किया है, कलेक्टर, कमिश्नर, पूरा प्रशासन, उद्योग विभाग पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं और सवेरे 11 बजे आ जाएंगे। मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इतना विकास का अवसर त्योहार आ रहा है, निवेश का त्योहार आ रहा है, तो कड़वाई आदर्श सुस्ती ना करे, अपनी उम्र उम्र के आए जैसे निवेश आ रहा है। और कल यहां उत्सव बनना चाहिए, कहे जश्न बनना चाहिए, और ये क्षेत्र भी दिखा दे कि हमारे लिए अगर कुछ हो रहा है तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का कल स्वागत करता हूं पूरे सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना सारे जिले की जनता से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और समय पर पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहां से छत्तीसगढ़ जाएंगे तो ये ना सोचे कि 11 की कहिए तो 1-2 बजे चले, वो तो आएंगे बिल्कुल निश्चित समय और समय पर वापस चले जाएंगे, इसलिए समय पर सब बनाए और कल का दिन त्योहार को सब बनाए तो बहुत बड़ी सौगात हम मिल रही है। ये मुझे याद है जिस तरह बीना रिफाइनरी जब आई थी हमने कई तरह की छूट दी थी जो जो मांगी गई थी, उसके परिणाम स्वरूप तब बीना रिफाइनरी कही थी और अपनी मदद
बीपीसीएल एक बड़ी घटना है। रोजगार के ऐसे अवसर एक जगह बहुत कम आते हैं और ये पूरा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है केवल बिना नहीं बिना पुरे सागर बिना कुरबाई सिरोन बासौदा विनिशा इवन थोड़ा मुंगावली का इलाका ये पूरा का पूरा ऐसा और जो भी हम बनेगा क्या रोजगार के अवसर सृजित होते चले जाए। अब आप जमीनों के दाम देख लेते हैं फायदा कितना होता है। मुझे विधायक भी कह रहे थे कि बिना को होटल में जगह नहीं है इतने आदमी आ गए। अरे भैया होटल में होटल बनवाओ अब जगह थोड़ी मिलने वाली इतने होटल बनेंगे क्योंकि केवल इंडस्ट्री थोड़ी आती है। इंडस्ट्री आएगी तो होटल चलेंगे होटल चलेंगे रेस्टोरेंट चलेंगे गाड़ियां चलेंगी चाय पान अलग अलग तरह की कई चीजें तो ये जो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं या अलग अलग तरह से पूरी होती है। बंबई से ज्यादा भी महंगी होने वाली है अभी भोपाल से ज्यादा भी होगी तो यहां की जमीन की कीमत देख लीजिए उसके कारण बढ़ने वाले जो रोजगार के अवसर को देख लीजिए तो मैं सच कह रहा हूं अलग इतिहास रचा जाने वाला है। हमारे देश के नौजवान हमारे बच्चे किशोर ज्ञानवादी पढ़ रहे कॉलेज में जा रहे इनके लिए ऐसे रोजगार के अवसर सृजित होंगे कि उनकी जिंदगी आशा उमंग से बढ़े।